रोहतास के नगर परिषद नोखा के सर्वोदय उच्च विद्यालय गढ़ नोखा उच्च विद्यालय में शिक्षकों के साथ बिहार विधान परिषद सदस्य संजीव श्याम सिंह ने बैठक किया। इस बैठक के दौरान उच्च विद्यालय के शिक्षकों से कई बिंदुओं पर बातचीत की। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। नियोजित शिक्षकों से उनकी समस्याओं को जाना, शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। इस मौके पर राम सुरेश राय, अजय कुमार, बंशीधर कुमार, मुन्ना कुमार पांडे, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, रोहित कुमार, मंजूर आलम सहित सर्वोदय उच्च विद्यालय गढ़ नोखा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। आज सब नोखा आए हैं आप, स्कूल में घूम रहे हैं, सर क्या कहिएगा? मैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जनता दल यू का विधान पार्षद हूँ और मैं यहाँ मिलने जुलने आया अपने मतदाताओं से। और जो सरकार हमारी कर रही है शिक्षकों के लिए या जो करने की योजना है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और नियोजित शिक्षक जो है वो नीतीश जी की ही पैदाइश है और नीतीश जी ने इस सेवा को धीरे धीरे बहुत सुधार किया है, आगे भी उम्मीद है कि सुधार होगा। वेतनमान मिला है, पूर्ण वेतनमान भी मिलेगा, जैसे जैसे हमें लगता है कि और भी आगे बातें बढ़ी होगा। हमारी मांग भी है सरकार से कि इन शिक्षकों को जो है सरकारी कर्मी बनाया जाए, इन्हें नेशनल न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित किया जाए, ये तमाम बातें हमारी मांगों में है। एक तो पूर्ण वेतन मान दिया जाए, हम अपनी सरकार से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं। दूसरा हम कह रहे हैं कि इन्हें जो है सरकारी कर्मी घोषित करें। तीसरा जो है न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित करें। चौथी बात है कि सरकार ने कहा है कि अंतर नियोजन स्थानांतरण देंगे महिलाओं को दी जाए, उसको जल्द से जल्द लागू करें, इसकी मांग है हमारी। और अगर संभव हो तो पुरुषों को भी अंतर नियोजन का लाभ किसी के पहली बार में ही दे तो बड़ी कृपा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।